हेलो चिल्ड्रन, रवि सहिया, वेलकम बैक टू द 11th सेशन ऑफ लिटररी हेरिटेज ऑफ इंडिया, द फोर्थ यूनिट इन द हिस्ट्री सेक्शन ऑफ योर सोशल साइंस टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10। डियर चिल्ड्रन, इन द प्रीवियस सेशन वी डिस्कस्ड, वी हैड स्टार्टेड विद एंशियंट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। इन दिस सेशन ऑल्सो we shall continue with the same unit, same topic, and we'll discuss the next university of ancient India, that is Takshashila University. So let's get started. Dear children, ancient university of Takshashila was located at Rawalpindi ऑफ प्रेजेंट पाकिस्तान। कहां पर थी? देखो बच्चों, फिर से मैं कह रहा हूं, वॉज लोकेटेड, अभी नहीं है, वॉज लोकेटेड एट रावलपिंडी ऑफ प्रेजेंट पाकिस्तान, है ना, रावलपिंडी में है बच्चों ये, जो अब पाकिस्तान में है, है ना। हमारा इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था बच्चों, तब ये हिस्सा, ओके, जो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, उसमें ही ये तक्षशिला हुआ करती थी। इट वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ एंशियंट गांधार रीजन, गांधार रीजन था उसकी कैपिटल थी बच्चों, कौन, तक्षशिला। अकॉर्डिंग टू अ बिलीफ, ऐसा माना जाता है कि दिस यूनिवर्सिटी वॉज नेम्ड आफ्टर तक्ष, तक्ष राजा के नाम पर से इस यूनिवर्सिटी का नाम तक्षशिला नाम पड़ा था। अब ये तक्ष कौन था बच्चों? तक्ष वॉज द सन ऑफ भरत। अब ये भरत कौन? द ब्रदर ऑफ लॉर्ड रामा, जो रघुकुल में जन्मे थे, राइट ना। रामायण तो आपको पता ही है बच्चों, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये चारों भाई रघुकुल डायनेस्टी के प्रिंस थे, राजकुमार थे, राइट। और उसमें से जो भरत थे, ओके, राम के भाई भरत थे, उनका एक बेटा था, उसका नाम था तक्ष। तो तक्ष के नाम पर से ही माना जाता है कि इस यूनिवर्सिटी का नाम तक्षशिला बना। ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी, सातवीं सदी में तक्षशिला वॉज द बेस्ट सेंटर फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए बच्चों, कॉलेज लेवल के एजुकेशन के लिए कि तक्षशिला बेस्ट सेंटर माना जाता था। दिस यूनिवर्सिटी इंपार्टेड एजुकेशन इन 64 सब्जेक्ट्स, बच्चों सोचो 64 सब्जेक्ट्स, आज के जमाने में भी इतने सब्जेक्ट्स एक यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाए जाते। उस जमाने में तक्षशिला में कितने, 64 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, एज फॉर एग्जाम्पल सच एज एजुकेशन ऑफ वेदास, वेदों का ज्ञान अगर किसी को चाहिए तो वो सब्जेक्ट का अध्ययन करेगा, मिलिट्री साइंस का सब्जेक्ट, गज विद्या का सब्जेक्ट, राइट, और आर्चरी का सब्जेक्ट, ग्रामर का सब्जेक्ट, फिलोसॉफी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी वगैरह वगैरह, कितने टोटल 64। ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स है बच्चों, सोचो 64। और देखने जैसी बात है बच्चों, स्टूडेंट्स वर फ्री टू स्टडी द सब्जेक्ट्स ऑफ देयर इंटरेस्ट, और बच्चों को ये छूट दी जाती थी कि आपको जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो, दिलचस्पी हो, उस सब्जेक्ट में आप पढ़ाई कर सकते हो, राइट। ऐसा नहीं कि आपको
इस सब्जेक्ट के साथ यही सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा? बिल्कुल नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं। जिसे जो पढ़ाई करनी हो वो पढ़ सकता है ना। अगर कोई केमिस्ट्री लेना, केमिस्ट्री में स्पेशलाइज करना चाहता हो, उसके साथ म्यूजिक अगर सीखना चाहता हो, फिर भी वो ही वॉज अलाउड, राइट। हमारी अब की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी अभी डिक्लेयर हुई है बच्चों, उसमें भी ये फ्रीडम दिया गया है, जिसे जो पढ़ाई करनी हो बिंदास कर सकेगा, राइट। आगे बढ़े तो बच्चों, तक्षशिला में नॉर्मली स्टूडेंट्स यूज टू स्टे विद देयर गुरु फॉर प्रैक्टिस, यानी ज्यादातर की विद्यार्थी थे वो हॉस्टल में रहकर, मॉनेस्ट्री में रहकर, वे अपने गुरु के कंपनी में रहकर ही वे पढ़ाई करते थे। गुरुकुल में जैसा होता था ना बच्चों, उस प्रकार, राइट। इन स्पाइट ऑफ द लिमिट ऑफ 20 स्टूडेंट्स पर टीचर, एक टीचर को 20 स्टूडेंट्स अलॉट किए जाते थे, राइट। उस टीचर को उन 20 स्टूडेंट्स का ध्यान रखना था, उनका उनको ट्रेन करना होता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस 20 ही स्टूडेंट को ले बैठते, नहीं ऐसा नहीं है। दे यूज टू टीच इवन मोर, इससे भी ज्यादा बच्चे हुआ करते थे। स्टूडेंट्स फ्रॉम डिस्टेंट सिटीज, भारत के दूर दूर की सिटीज में से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। फॉर एग्जाम्पल वाराणसी, राजगृह, मिथिला एंड उज्जैन ओवर क्राउडेड दिस यूनिवर्सिटी। भारत के इन इलाकों से कई बच्चे पढ़ाई के लिए यहां आया करते थे। प्रिंस ऑफ वाराणसी प्रसेनजीत, द किंग ऑफ कौशल, द ग्रेट ग्रामेरियन पाणिनी एंड चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है बच्चों, है ना। हु वॉज द मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त, चाणक्य कौन, कौटिल्य कौन, चंद्रगुप्त के मेंटर, गुरु हुआ करते थे। वर द स्टूडेंट्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, सोचो बच्चों, इतने बड़े बड़े विद्वान स्कॉलर्स, राइट। मैं फिर से दोहराता हूं, कौन, वाराणसी का राजकुमार, वो भी यहां पढ़ता था। प्रसेनजीत जो कौशल राज्य का किंग था, वो भी यहां पढ़ा था। ग्रेट ग्रामेरियन, ग्रेट व्याकरण शास्त्री पाणिनी, वो भी यहां पढ़े थे। और चाणक्य, या तो कह लीजिए कौटिल्य, जो चंद्रगुप्त के गुरु थे, वे भी इस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी स्टूडेंट्स रह चुके थे बच्चों, इसी यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की थी। इवन जीवक द डिसाइपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा हैड स्टडीड आयुर्वेदा हियर। बच्चों जीवक का, जीवक ये नाम आयुर्वेदा में बहुत ही मशहूर है, और इस आयुर्वेदाचार्य जो लॉर्ड बुद्धा के शिष्य थे, चेले थे, उन्होंने भी यहीं से ही पढ़ाई की थी, राइट। चाइनीज स्कॉलर फाहियान हैड विजिटेड दिस यूनिवर्सिटी इन द बिगिनिंग ऑफ 5th सेंचुरी। चलो, नालंदा की विजिट किसने की थी बच्चों? यस, ह्यून सेंग ने, है ना। तो यहां भी एक चाइनीज स्कॉलर आके गया था, उसका नाम था फाहियान। ओके, आपको पूछा जाएगा 1 मार्क के लिए कि तक्षशिला की विजिट किस चाइनीज ट्रैवलर ने ली थी। ओके, तो आपको जवाब आना चाहिए फाहियान, राइट। किस सेंचुरी में आया था वो? 5th सेंचुरी में। बच्चों इस पर से आप एक अंदाजा तो लगा सकते हो ना, कि नालंदा हो या तक्षशिला हो, कोई भी यूनिवर्सिटी भारत की, उस समय में
वो रुतबा था, हमारा स्टेटस था कि विदेशों से फॉरेनर्स, यू नो, फॉरेन स्टूडेंट्स यूज टू कम ओवर हियर, राइट? दैट्स व्हाई इंडिया वॉज कॉल्ड द वर्ल्ड गुरु इन एंशियंट टाइम्स, राइट? और आज चाइना देख लीजिए, हमारे यहां की किताबें ले जा जाके वहां स्टडीज शुरू की थी उन्होंने, राइट? ओके, सो डियर, दैट वॉज तक्षशिला यूनिवर्सिटी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक थरली. दैट्स ऑल इन टूडे सेशन. See you soon with a new topic and a new hope of learning something new. Till then, wish you all the very best for today's learning. Bye.